नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है मुंबई की आवाज में। मैं हूं सलामत अली और आज हम मौजूद है सेंटा क्रूज में। लेकिन जो मुद्दा हमने उठाया हुआ है वो सिर्फ सेंटा क्रूज का नहीं है, बल्कि वो मुद्दा है साकिनाका का, मरोल का, अंधेरी का, चकाला का और साथ ही साथ विले पार्ले और इसके अलावा कालीना, वाकोला और कुरला, जो ये जो इलाके हैं यहाँ के रहवासियों का ये मुद्दा है। ये सिर्फ एक इलाके का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये तमाम वो क्षेत्रों का मुद्दा है जो एयरपोर्ट के आसपास में रह रहे हैं। उनका विकास करने की बात की जाती है, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें शिफ्टिंग दिया जा रहा है जो उन्हें मंजूर नहीं है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि उन्हें शिफ्टिंग नहीं चाहिए, उन्हें यहीं पर घर बना के यदि सरकार देती है तो वो उसे मंजूर करते हैं। और साथ ही साथ क्या कुछ उनकी मांग है, एक बार फिर हम बात करते हैं आपसे, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने मांग की है और यहाँ पर विकास के तौर पर यहाँ पर जीवीके आया हुआ है, तो क्या आप लोगों की शिकायत जीविके से है या फिर कोई भी विकासक आए, आपकी जो मांगे हैं वो जो भी विकासक पूरी करेगा वो आपको मंजूर है? बात ऐसी है, आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार बताना चाहता हूं मैं, जीविके को जो इधर का सुशोभीकरण का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मॉडल एजेंसी का, तो जीविके एक्चुअली इधर विकासक नहीं है, तो जीविके ने दीवान, जीविके और मियाल ये दोनों ने मिलकर एचडीएल कंपनी जो है दीवान साहब उनको ठेका दे दिया और उनके पास उतनी जमीन नहीं थी एट अ टाइम एक ही टाइम कि सारे लोगों को कहीं जाके पुनर्वसन कर सके। तो हमारा हर बस्ती से जहां हम रहते हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, हर एक ने अपना अपना विकासक लाके अपना अपना प्लान तैयार किया है। तो हमारे जो जो बस्ती में जिन्होंने विकासक लाए उनको अगर वो लोग सहूलत देते हैं तो वो विकासक भी तैयार है अपने से, जो सरकार का रवैया रहेगा, सरकार जी जो डिमांड रहेगी वो हिसाब से लोगों को घर देने के लिए तैयार है। रही बात ऐसी, विकासक चाहे कोई भी आवे, लेकिन जो विकासक इधर आया उसने जो 5000 करोड़ का TDR ना कि हमारा पुनर्वसन किया, विस्थापित करके पुनर्वसन करने का जो प्रयास करने वाले थे वो बिल्कुल एक झोपड़े का भी उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया और 5000 करोड़ का TDR लेके गया, ऐसा जब हमको कहने में आ गया। और वो कैसे आ गया, अभी के जो एक सांसद है, वो सांसद जिनका नाम है किरीट सोमैया जी, उन्होंने वो TDR का घोटाला बाहर निकाला, तो वो घोटाले के तहत ऐसा लोगों के नजर में आ गया 5000 करोड़ का TDR जब ये लेके गए, तो अभी जो भी कोई इधर डेवलपर आएगा उसको कैसे FSI मिलेगा, वो कौन से तैयार अपना इधर जो भी आएगा वो जाहिर है व्यापार करने के लिए आए, व्यवसाय करने के लिए आएगा, वो अगर हमको हमारा घर देता है तो उसको भी उसको अपना बदले में उसको बांधने के लिए मिलना चाहिए। तो ऑलरेडी इधर का जो TDR है ये पहले ही गया है, फिर भी हमारा कहना ऐसा है सरकार कोई भी विकासक देवे, चाहे MMRDA के तहत करे, चाहे SRA के तहत करे, चाहे म्हाडा के तहत करे, चाहे सरकार की कोई और पॉलिसी हो या पंतप्रधान मोदी जी की कोई पॉलिसी जी हो, वो तहत कोई भी विकासक आवे, लेकिन हमारा एक ही कहना है पुनर्वसन जो है हर चारों बस्ती में स्थानिक जगहों पे ही होना चाहिए। ये बराबर है, हाथ वर्ग सी स्थानिक जगहों पे ही पुनर्वसन होना चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। जी बिल्कुल, जगह जहां पर ये लोग रहते हैं वहीं पर उनका विकास होना चाहिए और ये हर किसी का अधिकार होता है। विकास की जहां तक बात की जाती है, हर किसी का अधिकार होता है कि उनका विकास हो, उनके इलाके का विकास हो, लेकिन यहाँ जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नाराज मतलब ये सब लोग इतना कर रहे उसके लिए प्रयास, तो सरकार को भी कुछ करना चाहिए, उनके लिए मदद करनी चाहिए, ये इतने सारे लोग कर रहे सब, तो हम लोग की सबकी यही मांगे कि यहाँ पे ही होना चाहिए, या तो यहाँ पे या तो 2 किलोमीटर के अंदर। बिल्कुल, इसके अलावा यदि आप लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए तो आप लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार? बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अगर सरकार जबरी आपको यहाँ से शिफ्ट करनी चाहे तो क्या, किस तरह का रवैया आप लोगों की ओर से? संघर्ष करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, यहाँ के लोग सीधे तौर पर पूरी तरह से तैयार है कि यदि उनकी शिफ्टिंग की जाती है तो वो लोग संघर्ष करने के लिए भी तैयार है, लेकिन यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे। विकास की जहाँ तक बात की जाती है, यदि चौल को बदलकर बिल्डिंग बनाना है तो यहाँ पर जो है वो यहीं बनाना होगा, यहाँ के लोगों को यहीं विकास करके, यहीं रिहैब करके, यहीं जो है वो बनाना होगा। इसके अलावा यदि यहाँ से शिफ्ट की बात जो है वो की जाती है तो ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं, हम लोग यहाँ कम से कम 50 साल से रहते हैं इस झोपड़पट्टी की बस्ती में। जब पहले एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी तो बहुत दूर थी, आगे थी, वो लोग बाउंड्री वहाँ से लेते लेते यहाँ तक आए हैं। एयरपोर्ट की ज़मीन कितनी है उसका कोई अभी तक हिसाब नहीं हुआ है और एयरपोर्ट ने अपनी ज़मीन तो बाउंड्री के हिसाब से अंदर ले चुकी है और भी हमारी ज़मीन मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 50 साल से यहाँ सभी लोग रहते हैं
और 50 साल से यहाँ रहने के वजह से मैं तो गांवदेवी में रहता हूँ और मुझे 50 साल हुआ गांवदेवी में रहते हुए भी आज तक कोई भी आदमी ऐसा बोला नहीं कि कोई भी विधायक ऐसा बोला नहीं, कोई भी एमपी ऐसा बोला नहीं कि ये जिस जगह पे जो रहते हैं तुम लोग को हम लोग जो भी है वो सुविधा करेंगे या तुम्हारे लिए हम लोग कुछ तो बंदोबस्त करेंगे, कोई भी कुछ बोला नहीं। सिर्फ आते हैं वोटिंग करके लेते हैं और चले जाते हैं, उसका मुनाफा हमको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं रहते। आज हमारे बैंसी वार्ड में, मैं बैंसी वार्ड का कार्यकर्ता हूँ और बैंसी वार्ड में कम से कम हमारे एक टाइम में 10,000 वोटर के नाम थे, आज 50,000 के करीब करीब बनते जा रही है। तो 50,000 वोटर हमारे बैंसी वार्ड के ही बनते हैं, तो इस 50,000 वोटर के ऊपर एक विधायक को चुना जाता है। हमारा जो निकाली जो होता है, निकाल जो होता है हमारे बैंसी वार्ड के ऊपर विधायक का चुनाव निकाली के समान निकाला जाता है। कोई भी ऐसा आदमी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नेता ने प्रतिनिधि ने कि हमारे बारे में सोचे, इसलिए हम लोगों ने खुद होकर इस संयुक्त कृति की समिति के माध्यम से हम लोगों ने सबको खड़ा किया। हम लोगों ने रात दिन रात मेहनत करके सभी के इसमें मसले हमने समझा दिया है कि हमारी राय क्या है, हमारे मतलब क्या है, हमको इसी जगह पे स्थानिक जगह पर देना चाहिए। 1980 का इंदिरा जी ने कायदा निकाला था, जो रहेगा जो जमीन कसेगा उसकी जमीन है, और उस वक्त से हम लोग उसके पहले से भी हम लोग इधर इस जमीन पे रहते हैं। इसका मतलब ये जमीन हमारी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की नहीं है, ऐसा हम लोग जागीर करते हैं, क्योंकि आज हम लोग 50 साल से इस जमीन पे रहते हैं, इसलिए इसके ऊपर हमारा हक पहला होता है। हमको किसी को यहाँ से बाहर निकाल के फेंकने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवीके को और मियाल कंपनी से लिखित लिख के लिया कि इन लोगों को कैसे भी करके इसी जगह पे स्थानिक पुनर्वसन करके देना चाहिए, ऐसे कागजात हमारे पास है। हमारे संयुक्त कृति ने सभी विधायक को पेपर दिए है, सभी विधायक को नमूना दिया है। हमारा आराकड़ा जो है चार ही जगह पर जो स्थानिक पुनर्वसन करने का, जितने भी हमारे भाई बंद है, जितने भी 309 एकड़ में जितने भी झोपड़ी है, उस वक्त 90 में उनकी गिनती हुई तो 85,000 हुई थी, अभी उसका कम से कम 1,00,000 के ऊपर उसकी गिनती हुई है। आज के तारीख में जितने भी झोपड़े हैं उन सभी भाइयों लोगों को स्थानिक पुनर्वसन होना जरूरी है, यही हमारा कहना है, और सभी का पुनर्वसन होना ही मांगता है, यही मेरी राय है। और यही मैं आपके लेमन इसको मीडिया को मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारा आवाज सरकार तक, हमारे दिल्ली तक हमारा आवाज जाना चाहिए, इतने बोलता हूँ, शुक्रिया। बिल्कुल, इसके अलावा यदि बात की जाए विधायक की, यदि बात की जाए सांसद की, या फिर बात की जाए मुख्यमंत्री की, लोग जब चुनते हैं तो लोग ये सोच के चुनते हैं कि ये जो प्रतिनिधि जा रहे हैं वो उनके बारे में सोचेंगे, उनकी बातें जो है सरकार तक करेंगे और उनकी जो मांगे हैं वो मांग पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ मामला कुछ और बनता नजर आ रहा है। यहाँ करीब लाखों के हिसाब से रहवासी होंगे जिनकी परेशानी जो है वो ये है कि इन्हें डर इस बात का है कि कभी भी इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। वही बात मैं कह रहा हूँ आपको कि देखिए, जहाँ अभी आप हम खड़े हैं वो नवा अग्रीपाड़ा है, तो हम लोग ने पहले यहाँ से शुरू किया, मेरा नाम नरसू पोटे, मैंने यहाँ से शुरू किया हमारे लोगों से संगठन खड़ा करके, यहाँ के नवा अग्रीपाड़ा झोपड़पट्टी पुनर्वसन समिति बना के। जैसा कि अभी मेरा एक भाई, मेरा एक कार्यकर्ता साथी आपके सामने बोला, 50 साल के अनुभव उसने रखा, या ऐसे कितने कार्यकर्ता थे अपने अपने घर में बैठे थे, ये प्रवीण पेवेकर जो अभी बोले, इनको घर से मैं बाहर लिया और इनको समझाया कि अपने को सारे लोगों को लड़ना चाहिए। अभी उनके दिल में वो बात नहीं आई, वो बात अलग है, लेकिन ये समिति जो बनाई, ये सारे लोगों को, चारों विभाग से लोगों को लेके मैं नरसू पोटे सब जगह गया और ये संगठन बना के सारे लोगों को समझाया कि भाई अपन अकेले अकेले लड़के कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने को एक बड़ा संगठन बना के इस संगठन के तहत सारे लोग एक आके एक तले, एक झंडे के नीचे, एक बैनर के तले आके, कोई लीडरशिप नहीं होगी, सब लीडर होंगे। और ऐसा करके मैं चारों तरफ से, जैसा ये गांवदेवी की बात की, जामलीपाड़ा गया, बामनवाड़ा गया, लेलेवाड़ा गया, जो मैं चारों विभाग बताया वो सारे विभाग में जाके हमने एक बड़ा संगठन बना के इसका नाम ये दिया। हम यहाँ जो काम करते हैं वो नवा अग्रीपाड़ा झोपड़पट्टी पुनर्वसन समिति के तहत करते हैं, श्री गांवदेवी सहकारी गृहमन संस्था के तहत करते हैं, ये सारे लोग हमारे रहवासी उनके सदस्य है, और इनका एक बड़ा संगठन जो है वो ये, और इस संगठन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। स्थानिक जगह पे पुनर्वसन ये पहली मांग है, अगर ये नहीं होता है तो लड़ने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है, रास्ते पे आने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो संघर्ष होगा वो संघर्ष होगा, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी यंत्रणा को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, संघर्ष करने के लिए अब पूरी तरह से कमर कस ली है यहाँ के लोगों ने। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ लगातार आप लोगों ने पत्र जो है वो भेजे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जिस तरह का रवैया रहा है उससे कहीं ना कहीं आप लोग निराश हुए?
नहीं, ये सवाल आपका बहुत सही है और ये एकदम दिल में छुपने वाली बात है, बिल्कुल सही है। तो इसकी वजह एक ही दिखती है, हम आम आदमी है, हम आम झोपड़ी धारक है, हम आम कार्यकर्ता है। ये सारी जो मसला है, ये चारों विभाग का लोगों को यहाँ से निकालने के लिए एक जो ये जो षड्यंत्र इसको बोलते हैं, इसको षड्यंत्र बोलते हैं, एक छुपा साजिश है ये। और ये साजिश में सारी यंत्रणा, सारी ये पार्टी है इसके अंदर शामिल है। जीवेकी ने सारे लोगों के मुंह बंद करके रखे हैं, सारे को खरीद के रखा है और इसी वजह से कोई यंत्रणा ना पहले की सरकार ना अभी की सरकार खुल के बात करती है, क्योंकि सारे लोगों को जो इलेक्शन फंड मिलता है वो जीवेकी से मिलता है और सारे नेता को वो लोग ने चुप करके रखा है। उसी के तहत सारे नेता लोग ने उनको दीवान को दिया था, ताकि दीवान एक ऐसा बंदा आएगा जो दीवान ही सब खाली जमीन खाली कर सकता है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन ये सारे माता भगिनी, ये सारे शूर लड़ाई झोपड़ी धारक हमारे साथ खड़े उतरे और हम लोग ने लड़े करके यहाँ से दीवान को ज्यादा पड़ा और जीवेकी मियाल का उनका एग्रीमेंट आज कोर्ट में जाके पड़ा है। तो ये बिल्कुल साफ है आपकी बात कि ये कोई ना कहीं साजिश है। और ये साजिश कैसे, देखिए आप, हमने सारे खत लिखे, खत में हमारी सारी मांगे रखी है, हर जगह से हम लोग अपने अपने तरफ से काम करते हैं। ये एक संगठन है, यहाँ के जो हमारे विधायक है पराग जी आलोनी 167 के, उनका एक संगठन है, उनका एक संगठन है। अभी वो कागज में आपको बताना चाहता था, वो ढूंढ रहा था, उन्होंने एक मोर्चा निकाला, एक मोर्चा ऐसा निकाला, चलो यूनिवर्सिटी कैंपस। और उनके साथ विनोद थावड़े थे, उनके साथ स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे भी आए थे, निकलोस अल्मेडा थे, और उन्होंने मोर्चा निकाला। हम लोग वो मोर्चा में भी गए और क्या कहे थे वो लोग ने, ये सारे लोगों का पुनर्वसन एयरपोर्ट जगह नहीं दे रही है तो अपन यूनिवर्सिटी में करेंगे। सगे हटाते का तो ये पराग आलोनी ने उस टाइम जो मोर्चा निकाला, तब से जाके पराग आलोनी पॉपुलर बन गया और लोगों में छा गया और आज जाके एमएलए बनाए। अब वो उस बात को भूल रहे जबकि उनकी सत्ता है, महाराष्ट्र में भी उनकी सत्ता है, केंद्र में भी उनकी सत्ता है। तो हम लोग, हमारी ये मांग है सारे लोगों की वजह से, पराग जी आप ये लक्ष्य विधि तो मान रखे है, वो तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, पूनम ताई का आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक चेतावनी आपको भी देते हैं पराग जी, आपने जो दिशा दर्शन किया था यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी की भी जमीन अगर कुछ मिलती है 50 या 50 एकड़ या 25 एकड़, उस जमीन में कालीना वाकोला के गांव देवी के लोगों का भी पुनर्वसन वहां के वहां हो सकता है, हमारे लोगों का हो सकता है, कहीं भी एक पार्ट उधर जाके बैठ सकता है। तो उनको ये भी हमारे लोगों की तरफ से अपील है कि आप उसके ऊपर भी ध्यान रखें, ताकि आपकी एयरपोर्ट अतिरिक्त संघर्ष, आप संघर्षण करने वाले थे, आज आप सत्ता में है, रस्ते पे हम लड़ेंगे, हाउस में आप लड़े, यह हमारी उनको एक समझ और चेतावनी है। जी बिल्कुल, आम जनता की यदि बात की जाए तो ये वही आम जनता है जिसकी वजह से देश आजाद हुआ था। जब ये आम जनता जाग जाती है तो अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करती है और कहीं ना कहीं चाहे अंग्रेज की बात की जाए, चाहे सरकार की बात की जाए, इनकी बात सुननी ही पड़ती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते सरकार को भी ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये लोग आज धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए जब लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या परिस्थिति होगी, वो परिस्थिति ना हो, इसलिए सरकार से भी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इनकी मांगों को जो है वो सुने और उस पर अमल लाए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही, तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं, इंसान के हर तरफों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।